जबलपुर में स्वाद के शौकीनों के लिए तंदूर की रोटी का स्वाद कहीं गुजरे जमाने की बात न हो जाए। दरअसल प्रशासन के एक आदेश से होटल मालिकों के साथ साथ रेस्टोरेंट संचालकों के भी होश उड़े हुए हैं। बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके अमल के लिए जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के 50 होटलों के मालिकों को नोटिस जारी कर लकड़ी और कोयला आधारित तंदूर का उपयोग बंद कर इलेक्ट्रिक या LPG का इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल तंदूर से निकलने वाली इन गर्मा गर्म रोटियों को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आता है, लेकिन अब स्वाद के शौकीनों को झटका लग सकता है। प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण का हवाला देते हुए होटल और रेस्टोरेंट में चलने वाले तंदूर की भट्टियों पर रोक लगाने का मन बनाया है। प्रदूषण रोकने के लिए संभागीय मीटिंग हुई थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसमें कमिश्नर साहब ने निर्देश दिए हैं कि होटल वाले तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक ओवन या इस टाइप की चीज़ें जो प्रदूषण ना फैलाएं, कोयला और लकड़ी का उपयोग ना हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो हमने भी अपने खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले की लाइसेंस जो आप होटल हैं उनको निर्देश दिए हैं कि तंदूर की जगह कोई और विकल्प ध्यान रखें। कुछ नोटिस वगैरह जारी किए हैं कितने? हाँ, नोटिस जारी किए गए हैं। लगभग यानी हमने 50 होटलों को निर्देश जारी किए हैं जो शहर जबलपुर शहर के लिए, अभी हमने जबलपुर शहर को ही चूज किया हुआ है सर के निर्देश। दुष्परिणामों की अगर बात करें तो इसके पीछे क्या मंशा है? इस पर दोनों यानी खाने के हिसाब से भी नुकसान है, हेल्थ पर्पज से भी। तंदूरी रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, तो हेल्थ इशू भी है तंदूरी रोटी खाने से, और धुआं तो है ही, धुआं और आपका प्रदूषण प्रभावित हो रहा है। क्या ये मान सकते हैं कि जबलपुर ज़िले से इसकी शुरुआत हो रही है, मध्य प्रदेश में इसके पहले कहीं नहीं? हाँ, कह सकते हैं। हमको मध्य प्रदेश पूरा का तो आइडिया नहीं है, लेकिन अपने कमिश्नर सर ने निर्देश दिया है शुरुआत हम हटाते हैं तंदूर को, तो क्या कार्रवाई? अभी हम उनसे वो अपनी दिक्कतें भी बता रहे हैं समय कि हमको ये दिक्कतें हैं, तो अगली मीटिंग होने वाली आगामी बैठक में हम कमिश्नर सर के सामने ऐसी बात रखेंगे कि इनको कितनी मोहलत दी जाए और फिर डिसाइड करके बताएंगे। नियमों की अगर बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है, सजा का या जुर्माने का, किस प्रकार के प्रावधान है नियमों के उल्लंघन पर? नहीं, अगर वो हमारे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है हमारे अधिनियम में, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने। अभी जो नोटिस जारी किया, कितने दिनों की मोहलत उसमें दी गई है नोटिस के जवाब के लिए? अभी तो हमने 3 दिवस का अवसर दिया है।